एसडी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस या परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस आपको कब कहाँ कैसे यूज करना है, वो सब सारी चीज़ें हम आपको जो है बता रहे हैं। और इस कड़ी में ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो और बनाई है, ये आपकी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर जो आप देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे जो है इन्फिनिटिव या प्रेजेंट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव ऐसे एक शीर्षक के नाम से, टाइटल के नाम से हमने वहाँ पे बनाया है। अब चलिए इसी कड़ी में इस पे जो है हम चर्चा करते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जब हम यूज़ करते हैं तो वर्ब आपकी बेस फार्म होती है और वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब अगर जो आप पहली जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब का बेस फार्म ही होगा और वो आपका नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट में वो क्या होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। कैसा इन्फिनिटिव होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव, कहने का मतलब उसमें टू नहीं होता है। तो अब इसी कड़ी में और इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव की कड़ी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, वी शुड अबाउट द डेंजर्स, तो अब यहाँ देखिए शुड मिला है आपके सामने, ऐसे परीक्षा में ऑप्शन दिए हैं, आपको कैसे इनमें से छांट लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपके काम का है, कौन सा काम का नहीं है। अब जैसे शुड यहाँ पे मुझे लगा है, आपको पता है कि हाँ ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की बेस फार्म आएगी, तो चारों ऑप्शन में देखिए बेस फार्म है कहाँ। देखिए हैड, ये आपका जो होता है हैव, आपका होता है हैड, फिर होता है हैड, और उसके बाद एक होता है हैज़, ये सिंगुलर होता है। जैसे गोज होता है वैसे आपका हैज होता है। तो अब इसमें जो है बेस फार्म आपका ये है, हैव आपका ये बेस फार्म है, तो शुड के बाद हैव वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सब नहीं करेक्ट होंगे। तो इनको आप कट कर दीजिए, ये नहीं आना है, आप इसको कट कर दीजिए, बेस ये नहीं है, ये नहीं आना है। अब एक बचा आपका ये और एक ये। अब इन दोनों में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा लगना है। अब जैसे इसमें बीन लगा है, हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो जाएगा। ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। वी शुड अबाउट द डेंजर्स, तो आपका टू टेल वर्ब से है, तो टेल वर्ब का मतलब होता है कहना या बोलना। अब अगर जो इसकी मीनिंग हम निकालते हैं, आप हमको ये बताइएगा कि हमको डेंजर के बारे में कहना चाहिए था, ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा है, या खतरे के बारे में हमको बताया जाना चाहिए था। तो ऑब्वियसली जो पहला हमने बोला है वो ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो दूसरा ही है। तो कहने का मतलब बताने का काम कौन कर रहा है, बताने का काम कोई दूसरा कर रहा है और इनको बताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर आपका आएगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपका ये है, इसलिए आप यहाँ पे जो है ये वाला सेट करेंगे, ये भी आपका नहीं आएगा। तो आपको ये देख लेना है कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो सब्जेक्ट, जैसे ये एक्शन यहाँ पे दी गई है, वर्ब यहाँ पे दी गई है, तो ये काम क्या सब्जेक्ट कर रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। सब्जेक्ट ये उम्मीद कर रहा है कि ये चीज़ उसको बताई जानी चाहिए थी और बताई नहीं गई। तो अब यहाँ पे आप पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में कैसे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा, वो चीज़ हमको समझना है। देखिए द कॉरपोरेशन में लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का मतलब हो गया कि पास्ट का जो है कोई टाइम आप बता रहे हैं, पास्ट का टाइम है, तो पास्ट इंडिफिनिट आप कहने का मतलब पास्ट के टाइम को चूज करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे तो प्रेजेंट वाले जितने हैं हमको उनको कट कर देना है, जो प्रेजेंट की मीनिंग दे रहे हैं। अब जैसे बी सोल्ड, बी सोल्ड, बी सेल, समझ रहे हैं, इज सेल या इज सेलिंग कुछ ऐसे करके होता है, तो इसमें प्रेजेंट की आपकी मीनिंग आ रही है, पैसिव वॉइस का है, इसको कट कर दीजिएगा, ये नहीं आपका आएगा। अब उसके बाद आप कौन सा आएगा, अब जो आपका होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, क्या होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, प्रायर एक्शन को बताता है। तो अब इसमें आपके सामने दो आ गया, इसमें भी पास्ट का टेंस, पास्ट टाइम पता चल रहा है, इसमें भी पास्ट टाइम पता चल रहा है। अब ये एक्टिव वाला है, ये पैसिव वाला है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, ये सेल का काम, ये सोल्ड का काम, क्या ये कॉरपोरेशन कर पाएगा, कॉरपोरेशन तो खुद बेचेगा नहीं क्योंकि ये निर्जीव है। तो कहने का मतलब अब ये बेचने का काम इसको किया गया, तो कहने का मतलब अब ये काम नहीं कर रहा है, ये है पैसिव। ठीक,
तो जब पैसिव है तो आप पैसिव का स्ट्रक्चर यही वाला चूज करेंगे, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ये आपका नहीं होगा। तो ऐसे आपको बच के निकलना है। अब जैसे इसमें ये पैसिव वॉइस है लेकिन प्रेजेंट का है, अगर जो मे के साथ मैं इसको यूज करूँगा तो मे के साथ फिर ये प्रेजेंट की मीनिंग देगा, पास्ट की मीनिंग नहीं देगा, तो फिर मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए इनको तो पहले काट के निकाल दीजिए। अब पास्ट की मीनिंग इनमें है, पास्ट की मीनिंग इनमें है, ये पैसिव थे ये एक्टिव थे। अब तो इस अब एक्टिव पैसिव कैसे निर्धारित होगा, तो फिर एक्टिव पैसिव के लिए हमने सब्जेक्ट को देखा, तो सब्जेक्ट तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि निर्जीव है, तो जब निर्जीव है तो जाहिर सी बात यही वाला आएगा। तो ऐसे तार्किक रूप से हमको जो है अपने निष्कर्ष तक पहुँचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चर्चा करते हैं। अब यहाँ जो आपकी वर्ब दी गई है, वर्ब में पहले आप वर्ब का मतलब समझिए। जैसे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू नॉर्मली आप कहते हैं मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ, तो लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है। जैसे आप कहेंगे कि मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं। इंटरव्यू का मतलब ही होता है प्रश्न पूछना। तो अगर जो आप प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं तब तो आप कहिए इंटरव्यू, नहीं तो आप उसको हिंदी में अगर बोलना चाहते हो तो आप ये कहिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू होगा, तो फिर ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब, अब ये इंटरव्यू ये नहीं लेने जा रहे हैं, अब कहने का मतलब ही इज़ गोइंग टू इंटरव्यू टुमारो, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू इंटरव्यू। तो कहने अब इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर जो आप एक्टिव वॉइस में इसको मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कल ये इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। कल कहने का मतलब अब ये ही महोदय कल प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन हैं आपका। अब जैसे हैव बीन इंटरव्यू, तो ये पास्ट का टाइम शो करेगा, तो पास्ट का टाइम शो करेगा तो फिर यहाँ इनसे कोई मतलब नहीं है। बात टुमारो की हो रही है तो ये पास्ट को शो कर रहे हैं, तो इनसे ऐसा कोई मतलब नहीं। कंटिन्यूएशन का कोई यहाँ पे मतलब है नहीं कि आप लगातार होने वाली बात हो, तो इनको और इनको कट कर देते हैं। अब ये इसका मतलब हो जाएगा जब आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे ही इज़ गोइंग टू इंटरव्यू टुमारो, तो कहने का मतलब वो कल जा रहा है प्रश्न पूछने के लिए। कहने का मतलब अब इंटरव्यू पैनल में ये है, इंटरव्यू ये लेगा। ही इज़ गोइंग टू बी इंटरव्यू टुमारो, तो कहने का मतलब ये थोड़ा ऑकवर्ड ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब इंटरव्यू इन महोदय का होगा। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसको जो है यहाँ पे डाला है कि दोनों पहलू से आप इसको देखें। आप फिक्स होकर के न देखें कि अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो उसमें आपको एक को जो है चुनना है। तो कहने का मतलब इसमें यहाँ पे आप दोनों मीनिंगफुल निकलता है, बशर्ते आपका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होना चाहिए। यहाँ पे दोनों आपके इक्वली करेक्ट हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े हलवा होते हैं। हलवा क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इतना पता है कि ये देखिए टू है और आगे बी नून की बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब ये इन्फिनिटिव बनेगा। तो इन्फिनिटिव बनने में टू के बाद वर्ब की बेस ही फार्म आती है, तो बेस फार्म ये नहीं है इनको कट कर दीजिए, बेस फार्म ये नहीं है इनको कट कर दीजिए, बेस यही है यही यहाँ पे आएगा, इसमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपका जो है परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला है और दूसरा आपका जो है प्रेजेंट इन्फिनिटिव वाला है, और दोनों आपके पैसिव वॉइस के हैं। तो अब इतना तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। तो अब पैसिव वॉइस ही दोनों हैं, अब सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइम देखना है कि जो चीज़ बताई जा रही है, जो ये वर्ब दी गई है, क्या ये काम इसके पहले हुआ है या बाद में हुआ है, बस मुझे इतना ही चेक करना है। अब देखिए मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, द टूरिस्ट आर रिपोर्टेड रॉब्ड, तो टूरिस्ट लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी को जो है सूचना दे रहे हैं चोरी हो जाने, मतलब लूट लिए जाने का। तो जब रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग जब जिस टाइम पे हो रही है उसके पहले वो लूट लिए गए हैं या रिपोर्टिंग के बाद लूटे जाएंगे, क्या मतलब निकल रहा है? तो मतलब ओबियसली यही निकल रहा है कि जिस टाइम वो जब पहले लूटे गए तब वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्ट आर रिपोर्टेड है, इसके पहले कोई काम हुआ होगा। तो इसके पहले जब कोई काम हुआ होगा तो फिर हमको परफेक्ट इन्फिनिटिव की ज़रूरत है, तो हमको फिर यही यूज करना पड़ेगा परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यू स्पेस दोज वर्ड्स टू ग्रैंडमा, ठीक। अब मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट हैव सेड, अब आपका शैल नॉट हैव सेड। अब पहली चीज़,
आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो भी आप वर्ब यूज़ करते हैं वो बेस फार्म में होनी चाहिए, तो क्या ये बेस फार्म है? नहीं है, तो पहले तो इनको कट करके निकाल दीजिए कि ये तो पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। आप यहाँ देखें, शुड के बाद क्या बेस फार्म है? हाँ बेस फार्म है। ये हैज हैव हैड है, तो हैज हैव हैड के बाद जो अगली वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फार्म होती है, तो थर्ड फार्म भी है, तो इस पर चर्चा किया जा सकता है। ठीक, इनको अभी ज़िंदा रखिए। अगले को देखिए, सेल लगा है, नाट लगा है, इसके बाद भी बेस फार्म आती है, बेस फार्म है, और यहाँ हैज हैव हैड है, तो इसके बाद आगे वर्ब की थर्ड फार्म ही आएगी, ये भी सही है। तो इन पे और इन पे अब चर्चा करते हैं कि इन दोनों में से होगा कौन। तो अब यहाँ बोलने वाले का क्या मतलब है? अब इन दो ऑप्शनों में आपका जो ऑप्शन नंबर एक ये है और आपका ऑप्शन नंबर ये है, तो कट गया। अब इसमें जो सेल का यूज होता है, सेल का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए होता है, फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो अब आपको ये देखना है कि इससे आपका सिर्फ फ्यूचर एक्सप्रेस होगा या सेकंड पर्सन के साथ आप थ्रीड देते हैं, कमांड देते हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ आप ये करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ बोलने का मतलब है कि तुमको ऐसा ग्रैंडमा को इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब कोई शब्द किसी ने जो है दादी अम्मा को ऐसा बोला कि जो हो सकता है उनको बुरा लगा, फिर उसके बाद अगले को रिग्रेट की फीलिंग हो रही है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। ये यहाँ पे जो है यही सेंस आ रहा है, तो इस लिहाज से ये शुड, अच्छा शुड में मॉरल्टी का सेंस होता है, सेल में नहीं होता है, तो इसलिए इस मानक पे आपका ये भी फेल हो जाता है। लास्ट में यही आपका एक ऑप्शन बचेगा, शुड नॉट हैव सेड, यहाँ पे आप जो है यही शुड नॉट हैव सेड को फिल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आई स्पेस द प्लांट। अब यहाँ पे नीड नॉट वाटरिंग और नीड नॉट हैव वाटर्ड, ठीक, दो आपके पास ऑप्शन है। फिर वही काम, देखिए नीड मॉडल ऑक्सिलरी होता है और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की बेस फार्म आती है, तो क्या ये बेस है? बेस नहीं है, तो ये तो अपने आप कट गया, आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। मीनिंग भी फिट बैठ रही है, कहने का मतलब कि यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, आपको जो है नहीं देना उसको जो है कि ज़रूरत नहीं है, या जो है ज़रूरत नहीं थी, मतलब इसको पौधों को पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका एक यही ऑप्शन आता है। तो हमारे कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही रूलों को, रूल को जो है ध्यान में रखने पर, सिर्फ कुछ आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, कठिन से कठिन जिनमें जो है आपको दिक्कत होती है, तो आप उसको बड़ा ईजिली ही हैंडल कर सकते हैं।